शहर विधायक वोरा ने दिल्ली प्रवास से लौटते ही मिल रही जन शिकायतों पर अधिकारियों से चर्चा कर मुख्य मार्ग निर्माण में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए। वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक एवं भंडार गृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा ने दिल्ली प्रवास से लौटते ही अधिकारियों की क्लास ली। लगातार मिल रही जन शिकायतों के बाद उन्होंने लोक निर्माण अधिकारियों से मुख्य मार्ग निर्माण में और अधिक तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि बरसात के मौसम में खराब सड़कों एवं प्रकाश व्यवस्था की कमी से आवागमन दूभर हो रहा है। जल्द से जल्द सड़क निर्माण को शहरी हिस्से में पूर्ण किया जाए। जहाँ डामरीकरण नहीं हो पाया है और गड्ढे बड़े हैं, वहाँ फिलिंग कराई जाए। रात के समय मुख्य मार्ग समेत जेल रोड में भी अंधेरा व्याप्त है। विद्युत पोल स्थापना होने तक वैकल्पिक रूप से प्रकाश व्यवस्था किए जाने की बातें उन्होंने कही। उन्होंने निगम अधिकारियों से भी गौरव पथ एवं मुक्तिधाम मार्ग के निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए शीघ्रता से काम पूरे करवाने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में मार्केट एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बेतरतीब वाहन पार्किंग के लिए उन्होंने ट्रैफिक DSP गुरजीत सिंह से चर्चा कर शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कलेक्टर से चर्चा कर बड़े कार्यों एवं शहर की समस्याओं की लगातार आधिकारिक स्तर पर मॉनिटरिंग करने को कहा। गौरतलब है कि 14 करोड़ रुपए के ठगड़ा बांध, 64 करोड़ रुपए के मुख्य मार्ग सौंदर्यीकरण एवं गौरव पथ, साथ ही मुक्तिधाम मार्ग निर्माण तय सीमा के अनुरूप पूर्णता के ओर पहुंचते नहीं प्रतीत हो रहे हैं, जिसके लिए विधायक वोरा ने सक्रियता दिखाते हुए हर पखवाड़े में समीक्षा करने की बातें कही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।